मगर मुझे आप भी याद है गाजियाबाद के संघ भवन में उपस्थित जब आदरणीय शेष नारायण जी जब गए थे यहाँ से तो गाजियाबाद के पदाधिकारियों ने गाजियाबाद के लोगों ने ये कह दिया था कि हमारे पास तो वोटर आए ही नहीं, हमारे को कोई भी वोट नहीं मिला, हमने बहुत ढूंढा। मगर उसी समय में मैं होलसेल पे काम करता था इंचार्ज प्रधान का, शेष नारायण जी से मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे गाजियाबाद बुलाया और शायद मुझे लगता है कि सुभाष बोस को भी याद होगा 350 मत मैंने गाजियाबाद में जाके दिए थे। उस समय में मैं बुरुज था 350 और उस समय में मुझे लगता है मैं भूल गया शायद उमराव जी उस समय में कोई अध्यक्ष या मंत्री थे गाजियाबाद आज के उमराव सर थे और शेष नारायण जी उसमें गए थे। मुझे अच्छी तरह याद है उस समय में एक बोलेरो गाड़ी होती थी, बोलेरो गाड़ी से गए थे, बॉस भी थे साथ में। ये भी बात सत्य है उस समय में जब 12 साल पहले चुनाव हुआ था तो इतना मोबाइल बहुत ज्यादा लोगों के पास नहीं था, आज हर किसी के पास है और आसानी से हो सकता है। रही कैंडिडेट की बात, अध्यक्ष आगे छह लोगों को चुनना है, अगर रोजगार बेरोजगार संगठनों को ले लेते तो हो सकता है एक या दो पद उनको देते। फार्मेसी काउंसिल यहाँ लखनऊ में स्थापित है तो अध्यक्ष भी कहूंगा कि दो पदाधिकारी या दो डिप्लोमा फार्मेसिस्ट एसोसिएशन की प्रदेश कार्यकारिणी की आज बैठक है जिसमें प्रदेश के सभी जनपदों के अध्यक्ष मंत्रियों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। एक महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर आज कुछ बिंदुओं पर, आगामी उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल का चुनाव प्रदेश में होने जा रहा है, उस चुनाव में डिप्लोमा फार्मेसिस्ट एसोसिएशन जो 6 प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं उसमें अपना पैनल उतारेगी, तो आज इस विषय पर यहाँ चर्चा कर रहे हैं। संगठन को मजबूत करने के लिए रणनीति यहाँ पर बनाई जा रही है, जनपद जनपद स्तर पर कार्यक्रम चलाने के लिए, और मुख्य रूप से जो डिप्लोमा फार्मेसिस्ट एसोसिएशन का जो मांग पत्र है जो नवगठित सरकार है उनसे डिप्लोमा फार्मेसिस्ट एसोसिएशन के मांग पत्र पर क्या और मांगे बढ़ाई जाएं इस पर यहाँ चर्चा की जा रही है। क्योंकि अभी पीछे माननीय मुख्यमंत्री से डिप्लोमा फार्मेसी एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल मिला था और माननीय मुख्यमंत्री से अपने कार्य और दायित्व माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखे और उनसे जो हमारी वो वेतन विसंगति, पदनाम परिवर्तन, पदों के मानकों में परिवर्तन, ये सब जो मांगे थी उन मांगों को उनके सामने रखा और माननीय मुख्यमंत्री से उस पर चर्चा की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया कि तमाम ऐसी समस्याएं जो फार्मेसिस्टों की जनहित से जुड़ी हुई समस्याएं, जो CSC पर फार्मेसिस्टों के मात्र 2 पद हैं, 24 घंटे CSC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन किया जा रहा है, वहाँ फार्मेसिस्टों को औषधि वितरण, औषधि भंडारण, इंजेक्शन, ARV, मरहम पट्टी, वैक्सीनेशन का कार्य, तमाम राष्ट्रीय कार्यक्रम, VIP ड्यूटी, पोस्टमार्टम ड्यूटी, तमाम ऐसे कार्य हैं और मात्र 2 फार्मेसिस्ट किसी भी CSC का संचालन नहीं कर सकते। और जो पद सर्जित हुए थे उस समय के पद वर्षों पूर्व सर्जित पद हैं जब मरीजों की संख्या कम हुआ करती थी। आज सरकार ने तमाम सुविधाएं अस्पतालों में बढ़ाई हैं, तमाम मरीज जो है अस्पतालों में कई गुना मरीजों की वृद्धि वहाँ अस्पतालों में, शहरी अस्पतालों में, ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों में हुई है, तो उसके अकॉर्डिंगली पदों के जो मानक है उनको भी बढ़ाया जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री से कहते जनहित का प्रश्न है तो इससे मरीजों को भी एक गुणवत्ता वाला इलाज मिल सकेगा, कम पद होने की वजह से अत्यधिक भार फार्मेसिस्टों के ऊपर बढ़ रहा है, तो उन्हीं सब बिंदुओं पर यहाँ चर्चा की जा रही है। आने वाले समय में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः हम ज्ञापन देकर उनसे बात करके इन समस्याओं का शासन स्तर पर निराकरण कराने का प्रयास करेंगे, हमारे चाहे पदोन्नति के मामले हों, तमाम जो मामले लंबित चल रहे हैं तो उस पर आज विस्तार से यहाँ पर चर्चा हो रही है और आवश्यकता पड़ेगी तो डिप्लोमा फार्मेसी एसोसिएशन ने जो आंदोलन दिसंबर माह में किया था, दिसंबर माह में हम आंदोलन पर गए थे, हमने 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया, काला फीता बांधा, 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया और पूर्ण हड़ताल पर जाने, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने से पहले शासन स्तर पर हमारा समझौता हुआ था, उस समझौते पर क्रियान्वयन करने की मांग, संवर्ग के पुनर्गठन की मांग, ये सारी मांगें पुनः सरकार के सामने रखी जाएंगी और आवश्यकता पड़ेगी तो हम फिर उसमें कोई आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार कर सकते हैं। हमने माननीय मुख्यमंत्री से भी अनुरोध किया है, इसके बाद हम माननीय स्वास्थ्य मंत्री से शासन को पत्र लिख रहे हैं अपनी मांगों के संबंध में और ये अपील करेंगे और उसके बाद यदि आवश्यकता पड़ेगी, हमको लगता है कि शासन या विभाग हमारी उन मांगों के प्रति उदासीन है तो हम आंदोलन पर विचार करेंगे।